संगरूर का रुख करेंगे। अमित, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो, ठीक है, पहले बशीरहाट का रुख करेंगे, मनोज पांडे, ठीक, चले संगरूर का रुख करेंगे अमित पांडे। संगरूर के साथ साथ पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों का हाल बताइए। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, हालांकि बाकी जगहों पर ये इंडिया गठबंधन में है। शिरोमणि अकाली दल के अपने उम्मीदवार हैं और बीजेपी इस बार पहली बार पंजाब में अपने दम पर चुनाव मैदान में है। लेकिन सबसे पहले हाल बताइए संगरूर का, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान का इलाका है ये। जी बिल्कुल, मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प है और हम लगातार जहां जहां भी जा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं में घूम रहे हैं, मामला जो मुकाबला है वो कांटे की दिख रही है, क्योंकि हर पार्टी एक दूसरे का वोट काट रही है। कहीं पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी का वोट जो है वो बीजेपी काट रही है, खासकर संगरूर जैसे शहरी इलाकों में, और उसके अलावा बरनाला में हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उन्हें कहीं ना कहीं लोगों का वोट मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ देखने को मिल रहा है कि शिरोमणि अकाली दल के अमृतसर के जो कैंडिडेट हैं सिमरजीत सिंह मान, उनका वोट जो है वो कांग्रेस काट रही है, तो कहीं आम आदमी पार्टी काट रही है। तो यही वजह है कि इस वक्त आकलन करना काफ़ी मुश्किल हो गया इस सीट पर, क्योंकि मुकाबला बेहद करीबी जा रहा है। और एक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो यहाँ पर सभी जो हैं वो पोलिंग एजेंट्स हैं, लेकिन सभी पार्टियों के एक साथ बैठ गए हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है और लोग काउंटिंग स्लो होने से भी थोड़ी सी निराशा जरूर है। आप लोग सभी अलग अलग पार्टियों के एजेंट हैं, क्या मुद्दा रहा और इस बार देखने पोलिंग स्लो है, अभी तक 50% क्रॉस नहीं किया है? नहीं, साढ़े तो जड़ा नगर है इसमें तो 60% होगी पोलिंग। हाँ जी, हाँ, उम्मीद आप लोग लगाए हुए कि 60% तक हो जाएगी? 70 हो जाएगी जी। अच्छा, 60% तो हम तक होगी, देख लो 3 बज गए होने। लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है, थोड़ा सा उम्मीद की जा रही है कि जैसे 5 बजे का जब टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा तो गांव के लोग जो हैं वो निकलेंगे, क्योंकि आप लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो क्या लगता क्या है? एक साथ तो जी साढ़े पिंड की पार्टियों के अड्डा अड्डा हैंगे, सांझ साढ़े पिंड की इकट्ठी है, जिसकी पार्टी के बंदे हैं जिनमें वो उसको वोट पाई जाती है, कोई ऐसे वो पिंड में पार्टीबाजी वाला काम नहीं हैगा। देखिए गांव के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि सभी एक गांव है, इसलिए अलग अलग पार्टी को भले ही समर्थन करते हो, अलग अलग पार्टी के एजेंट हैं, लेकिन एक साथ बैठ के एक ही टेंट के नीचे सभी लोग बैठे हुए हैं, भले ही पर्ची अलग अलग लोगों को अलग अलग पार्टियों का दिया जाए। सर किस तरह देखते हैं इस बार का मुद्दा क्या रहा है आप लोगों का? मुद्दा तो बस कम्मा दी मुद्दे ने जी, बाकी साने ऐतकी पिंड दे विच ओह करया ती वी सारे इक्के बूथ लाया, चाहे अपना आप वालिया का, चाहे कांग्रेस का, चाहे अकाली दल का, चाहे बीजेपी का, जो भी है कट्ठे इक्के बूथ ते सारा पिंड बैठा। तो ये गांव की एकता है? हाँ, गांव दी एकता जी। अच्छा, मतलब पहली बार होया जी साडे गांव च, पहला अलग अलग लगदे थे, ऐतकी सारे ने इकट्ठे हो, क्योंकि हम बाकी जगह देख रहे हैं कि अलग अलग जो पार्टीज हैं उनके अलग अलग बूथ लगे हुए हैं। पहली बार मैं इस गांव में आया हूँ, देख रहा हूँ कि सभी इकट्ठा बैठे हुए हैं। हाँ जी, सारे पिंड ने सवेरे कल दी गल हो गई थी, वैसे भी साडे पिंड च इदां दी कोई ओह नहीं पार्टीबाजी वाला, पर फिर भी कहिंदे बूथ लावांगे, इक बूथ लावांगे, सारे इक्के बूथ च बैठांगे, ओह साडे सामणे इक लग्गिया होया जी। मतलब वोट किसी को भी दें लेकिन एजेंट जो है वो एक साथ ही बैठेंगे, ताकि गांव की जो भाई गांव का जो भाईचारा है वो बना रहे, वो नहीं खराब होने देना जी। वोट जिन्हों अधिकार है, वोट दबदा जिन्हों जी करदा आपदा पाऊगा। हरेक अजकल सोशल मीडिया भी है, मोबाइल ते सारा पता लगदा, जिन्हें काम दे हिसाब नाल अगले ने वोट पा देनी है जी, काम के नाम पर वोट। आपको क्या लग रहा है? ठीक है जी, क्या मुद्दा क्या रहा है, क्या सोच है, क्योंकि यूथ है आप लोग, बहुत सारी चीजें देख रहे हैं और कई सरकारें देखी, क्या लगता है कि कुछ पिछली सरकारों ने काम किया जो आपके उम्मीद पर खरे उतरे हैं? मुद्दा सर हर एक पार्टी का अपना अपना जी, कोई पार्टी जिहड़ा हुण जे मौजूदा पार्टी उह कहिंदी असीं ने आह काम कीता, दूसरी पार्टी उसनूं उह करदी वी उहनां ने कीता नहीं हैगा, हरेक दा मैनीफेस्टो अपना अपना वी, असीं इदां करना इदां करना, बाकी सर चार नूं पता लग जूगा जी कीड़ा उह हुंदा है, मतलब 4 तारीख को असली नतीजे आ जाएंगे। आप क्या कहेंगे, क्या आइए इधर, हाँ आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप कई सारी पार्टियों को देखा आपने और सबके काम देखा, क्या लगता है कि इस बार मुद्दों के आधार पर वोट हो रहा है या फिर कामकाज या बाकी चीज़ों के आधार पर? हाँ जेड़ा ये साडा नगर पिंड सेंसरवाल जी, साढ़े पंचायत साहब तो साढ़े ब्लाक समिति मैंबर साहब बैठे ने, साडा एक पोलिंग लग्या होया, असी यह पार्टियां तो उपर उठ के असी आपदे पिंड की एकता भाईचारे नूं कायम रखने वास्ते असी किसी पार्टी के नाल नहीं है, असी सांझा बूथ लग्या होया, असी सारयां नूं यही आदेश दिंदे आ
एक सुझाव दिने भी आपके नगर की सांझ सारे एकत्रता रखो, आने वाले समय के नगरे काम आवे, वोट जिन्हों मर्जी पाओ, वोट का कोई दिक्कत नहीं हैगी, पर आपका जो भाईचारा वह मेन है जी। अभी तो यही गल कहने हूँ, यह पार्टियां ने कोई किसी बात कोई किसी बग जाता, आप किसी नींदी नहीं है, पर आपका नगर यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी अमित, तो ये भी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि बिल्कुल बिल्कुल अमित बने रहेगा, लगातार आपसे बात करते रहेंगे।